नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग इलेक्ट्रिकल फैक्ट पे। मैं अश्विनी आज आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं आपके सामने कुछ अजीबोगरीब मशीन लेके आया हूँ। इसको हम कहते क्या है, इससे हम वर्क क्या करते हैं और इसको कहते क्या है, और इसे क्या क्या इसमें खामियाँ आती हैं और क्या क्या इसमें पार्ट यूज होता है, मैं आप ये बात इसके बारे में पूरी बात आपसे बात करूँगा, इसके बारे में पूरा बताऊँगा भी। और जैसा कि कमेंट करके पूछा गया था, तो इसके लिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। इसको कहते हैं ड्रिलर मशीन। ये ड्रिलर ड्रिलिंग करता है किसी भी ऐसे मोटे लोहे पे या फिर किसी भी हमारे जॉब पे जो हमारे लिए यूज़फुल हो, उसमें अगर हमें छिद्र करना हो तो इस मशीन का प्रयोग करते हैं। और जिस हिसाब से हमें छिद्र करना हो, जिस साइज़ का करना हो, तो अलग अलग ड्रिल भी इससे फिट हो जाती हैं और अलग अलग हम इसमें छिद्र कर सकते हैं अलग अलग साइज़ों के, ठीक है। और उसकी डीपनेस भी अधिक हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं ये ड्रिल मशीन से भिन्न है, ठीक ना, उससे ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए इसको ड्रिलर कहते हैं। और मैं इसे बताता हूँ और क्या क्या इसमें खासियत होती है। इसमें एक मोटर लगा होता है जो कि एसी मोटर होता है, एसी सिंगल फेज मोटर होता है जो कैपेसिटर से चलने वाला मोटर होता है। यानी इस मोटर की जो वाटेज होती है वो 250 वाट से 300 वाट के बीच रहती है, ठीक है। और एक 1.2 एम्पीयर करंट के लगभग लेता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये जो आप हैंडल देख रहे हो, इससे हम ड्रिल जो ड्रिलर है उसको ऊपर नीचे करते हैं। यानी इसी पे सारा कार्य हमारा निर्भर करता है कि जब ये ड्रिल घूमता है तो उसके इसको हम क्या करते हैं, धीरे धीरे प्रेस करते हैं अपने जॉब पे प्रेस लेते हैं। तो फिर उसके बाद जहाँ तक हमें छिद्र करना रहता है ये ड्रिल करते जाता है। पहले इसको हम ऐसे से घुमाएंगे, फिर ऊपर ले जाना रहेगा तो इधर घुमाएंगे, ठीक है। यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना पड़ता है इस हैंडल को, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ, ये है बेस प्लेट इसका, ड्रिलर का जो बेस प्लेट है, इस पर हम किसी जॉब को रख के, और ये जो आप देख रहे हो खांचे कटे हुए हैं, इसी खांचे में हम क्या करते हैं, एक मतलब पकड़ने जैसा, बेंच वाइज के जैसा ही होता है, इसको पकड़ सकते हैं जॉब को अपने, जिससे ये स्थिर रहे, जॉब जो है हमारा यहाँ पर स्थिर रहे और हम छिद्र अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर ये होता ये है, अब आके देख लो आप, इसके अंदर देखते हो आप कि एक है मोटर का, एक है गियर है, इस पर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। यानी टर्न अगर हमें बढ़ाना है तो सबसे ऊपर वाले पे, ठीक ना, सबसे ऊपर यानी सबसे बड़ी पुलिया पे, और टर्न हमें घटाना है तो सबसे नीचे वाले पुलिया पे, क्योंकि वो जब तक एक टर्न मारेगा तब तक वो भी आधा टर्न ही मानेगा। अब ये देखिए आप, अगर इस तरफ हम सबसे छोटे पे करेंगे, टर्न हमें घटाना है, इस तरफ छोटे पुलिया पे होगा तो उस तरफ सबसे बड़े पुलिया पे होगा, ठीक ना। यही इसका गियर सिस्टम है, इससे आप स्पीड घटा बढ़ा भी सकते हो ड्रिलिंग मशीन का, ठीक ना। तो इस पर एक देख रहे हो आप पट्टा होता है, जो कि पट्टा रबर से मिक्सिंग एक मतलब मिश्र बनाया जाता है, मिश्रित धातु नहीं कह सकते इसको, और धातु ही रहता है और रबर से मिक्सिंग रहता है, बस आप जान लीजिए, और काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। और इसका बॉक्स होता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसको मैंने बंद कर दिया। और एक कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है। और आप इस तरफ आते हैं इसके बैक साइड, ठीक है, बैक साइड आते हैं। बैक साइड में आपको बताता हूँ कि बैक साइड भी कई सारी चीज़ें होती हैं। पहली बात तो ये देख लीजिए, इसमें इसके अंदर थोड़ा सा ये देख रहे हो आप, इसमें एक 3-pin सॉकेट होता है, जो कि मतलब 3-pin इनलेट सॉकेट होता है, जो कि मेल सॉकेट भी इसे कहते हैं। और इसमें अर्थ पॉइंट भी होता है, ठीक है, इसमें नहीं है तो इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हमने सप्लाई में कर दिया कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद हो गए कि अब इसमें हमने सप्लाई दे दिया, सप्लाई यहाँ से आई, इसके अंदर गई, इससे स्विच से हमने कंट्रोल करना है, ठीक ना। कंट्रोल करके बाद जब मोटर को हम ऑन करेंगे तो ड्रिल मशीन चलने लगेगा, उसके बाद हम आराम से पूरी सहूलियत से बैठ के इसको आराम से करेंगे, जिससे हमारा ड्रिल हो जाएगा, ठीक है। ये बेस प्लेट हो गया, इसको भी लंबाई के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको हम इस की को ओपन करके या इस की को ढीला करके, ठीक है। और ये क्या होता है, ये इसका बेस है जो कि नट बोल्ट से कसा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, तो इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछिए, तुरंत मैं तुरंत बताऊँगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसका प्लेट जो होता है, इस प्लेट पे दी हुई जो जानकारियाँ हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इस प्लेट को आप देख लीजिए, इस प्लेट पे स्पीड और ड्रिल प्रेस इन सब के बारे में दिया गया है, और इन बातों को आप पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो, तो इसी के हिसाब से ये सारी वर्क करती हैं। और इसी के साथ दोस्तों लेते हैं अलविदा, तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।